जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है ये प्योरली सेमीकंडक्टर का टॉपिक है uh, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से किसी सेमीकंडक्टर को जब आप मान लीजिए हीट एनर्जी दे रहे हैं या फिर आप रेडिएशंस को इंसिडेंट कर रहे हैं किसी सेमी कंडक्टर पर तो उसके कारण नए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो है बनते हैं और uh, जब इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स बन रहे होते हैं तो उसी समय कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर रिकम्बाइन भी हो रहे होते हैं तो ये प्रोसेस चलता है रिकॉम्बिनेशन का और जनरेशन का तो जनरेट भी होते हैं रिकम्बाइंड भी होते हैं तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी हमें मिलती है और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं वो हम अभी इस टॉपिक में देखेंगे फिलहाल जो आपका एंट्रेंसिक सेमिंग कंडक्टर है जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है एंट्रेंसिक सेमिंग कंडक्टर इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही होल्स होंगे क्योंकि दोनों बराबर है इंट्रेंसी का होता है नैज अर्धचालक नेज अर्धचालक अर्ध में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स होंगे जो थर्मल एजिटेशन जो है यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के कारण क्या होगा नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो बनेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स डिसअपेयर भी होंगे और डिसअपेयर क्यों होते हैं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है uh, मिलना वापस रिकॉम्बिनेशन यानी इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा तो वो डिसअपियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में जब मिल जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचेगा और चार्ज जो था वो समाप्त हो जाएगा दे फोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉल इन टू एमटी कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड देयर इज सम लॉस ऑफ ए पेयर ऑफ मोबाइल कैरियर्स क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड एम टी होगा तो वहाँ पर होल होगा और जब इलेक्ट्रॉन उसमें गिरेगा तो वो बॉन्ड भर जाएगा और बॉन्ड भर जाएगा तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और जो होल था वो भी ख़त्म हो जाएगा यानी कोई फ्री चार्ज नहीं मिलेगा आपको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक होल जो है वो टाओ पी ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है नेक्स्ट पैरा में ऑन एन एवरेज ए होल विल एग्जिस्ट फॉर टाओ पी टाइम एंड एंड इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट फॉर टाउ एंड टाइम बिफोर रिकॉम्बिनेशन जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई होल बनते ही रिकॉम्बाइंड हो जाएगा ऐसा तो नहीं है कुछ टाइम पीरियड मिलता है एक होल को एक इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए जो बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन टाइम या मीन लाइफ टाइम ऑफ होल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानि कि होल बना और इलेक्ट्रॉन से वो रिकम्बाइन जब करेगा तो इन बिटवीन का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा आपका मीन लाइफ टाइम अब मैं जो नेक्स्ट प्राया में लिखा है मान लीजिए हमारे पास एक एन टाइप सेमी कंडक्टर है एन टाइप सेमी कंडक्टर है एन टाइप है इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे होल्स के मुकाबले अगर इसमें पी और एन इलेक्ट होल्स uh, और इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम और यूनिट uh, वॉल्यूम भी कब जब मैं किसी थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूँ इक्विलिब्रियम है ना और अब मैं मान लीजिए किसी समय टी प्राइम इस ग्राफ में आप देखेंगे जो स्केल मैंने बना रखी है एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिए होल की तो किसी टाइम टी प्राइम पर सेमीकंडक्टर बार जो है उसको मैं इल्यूमिनेटेड करता हूँ इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या वो मान लीजिए मैं सेमी कंडक्टर के ऊपर लाइट गिराता हूँ विजिबल लाइट है या वो जिस भी एनर्जी uh, गैप का सेमी कंडक्टर अपने रो उस एनर्जी के बराबर की कोई मैं वेव लेंथ की या उस एनर्जी के बराबर की uh, जो है एक uh, एक लाइट इंसिडेंट करता हूँ ठीक है तो उससे क्या होगा एडिशनल इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स uh, जो है वो जनरेट होंगे कि जब मैं लाइट डालूंगा किसी सेमी कंडक्टर पर तो क्या होगा उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी कि को जो आपका वैलेंस बैंड है उससे कंडक्शन बैंड में जाएगा और उससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होंगे तो उसको बोलते हैं जनरेशन फिगर ए आपको जो दे रखा है इसके अंदर माइनॉरिटी क्या है होल्स क्योंकि मैं एन टाइम सेमी कंडक्टर की बात करूँ तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का ग्राफ आप देखो तो जब लाइट टर्न की थी मैंने लाइट टर्न ऑन हुआ टी प्राइम टाइम पर तो होल की जो कंसनट्रेशन है पी नॉट से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई इंक्रीज़ हुई और किसी वैल्यू पी बार तक या एवरेज वैल्यू पी तक गई तो डिफरेंस कितना आया पी बार माइनस पी नॉट इक्वल टू तो पी प्राइम एट ज़ीरो अब मान लीजिए किसी टाइम ज़ीरो पर टी इक्वल टू जीरो पर मैं लाइट को बंद कर देता हूँ जिस लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो रहे थे उस लाइट को मैं बंद कर देता हूँ तो आपका जो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है उसमें देखेंगे देखेंगे पी की वैल्यू जो पहले इंक्रीज़ हुई थी अब वो डिक्रीज हो रही है एक्सपोनशियली तो पी की वैल्यू में डिक्रीज दिक्री, डिक्रीज़ आपको होते हुए दिख रहा होगा तो ये एक्सपोनशियल वेरिएशन आपको मिलेगा आगे देखते हैं तो आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन द इक्विवेलेंट न्यू कंसनट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पी बार एंड एन बार रेस्पेक्टिवली क्या मतलब हुआ कि जब आपने रेडिएशन इंसिडेंट कराए मान लीजिए आपने कोई लाइट इंसिडेंट कराई तो जब इक्विवेलेंट या न्यू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है मतलब ये जो कंडीशन जो ले रहा है रेडिएशन जब इंसिडेंट किया अपन ने तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसनट्रेशन में क्या चेंजेस आए तो मैंने आपको बताया ना जैसे कि पी नॉट की वैल्यू इंक्रीज हुई एक्सपोनेंशियली और पी बार तक गई तो ये पी बार हुआ इसी प्रकार से अगर मैं माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं एन तो बार आपको मिलेगा तो देयरफॉर कितने एक्स्ट्रा होल्स आपको मिले तो पी बार तो मिले आपको लाइट इल्यूमिनेटेड करने के बाद में लाइट आपको इंसिडेंट करने के बाद में और पी नॉट थे पहले जब आपने लाइट इंसिडेंट नहीं करी तो इनका अंतर निकालोगे पी बार माइनस पी ज़ीरो तो वो आपको मिलेंगे फोटो इंजेक्टेड या एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉन के लिए केस में भी निकालोगे तो एन बार माइनस एन जीरो तो वो भी फोटो इंजेक्टेड या एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब आप ये देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बड़ा है उतना ही इलेक्ट्रॉन का कंसनट्रेशन भी बड़ा है तो p बार माइनस पी ज़ीरो इक्वल टू एन बार माइनस एन ज़ीरो होगा ये है आपकी इक्वेशन नंबर वन और इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि होल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको मिलेगा ऐसा नहीं कि कोई एक चार्ज कैरियर जो है इस अवस्था में बढ़ते हुए मिलेगा और दूसरा घटते हुए तो इनका जो अंतर है यानी कि जो फोटो इंजेक्टेड होल्स है और फोटो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर होंगे क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो वो आया कहाँ से किसी बॉन्ड को तोड़ के आएगा तो होल्स भी बनेंगे तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा तो इक्वेशन वन के आगे चलते हैं अगर एक स्टडी स्टेट कंडीशन पहुँचती है जैसे फिगर ए में इक्वल टू जीरो जब लाइट ऑफ वाली कंडीशन आप देखेंगे यानी रेडिएशन जब आप रिमूव करेंगे तो वो कंडीशन तो उस अवस्था में जो एक्स्ट्रा या एक्सेस में जो होल्स आपको मिले थे होल की जो डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डी के होके कहाँ तक जा रही है जीरो तक जाते हुए आपको दिख रही है आगे चले अगर टाऊ पी आपका मैंने जैसे बताया मीन लाइफ टाइम है होल का ठीक है और पी क्या है कंसंट्रेशन है किसकी होल की तो रिकॉम्बिनेशन जब होगा आप सोचिए रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो कंसंट्रेशन होल की जो है वो पर सेकंड घटेगी रिकॉम्बिनेशन यानी जब मिलता है एक इलेक्ट्रॉन और होल तो चार्ज कैरियर कम होते हैं तो पी अपॉन्टाऊ पे क्या शो कर रहा है होल कंसंट्रेशन में पर सेकंड में कितनी कमी आ रही है उसको और दूसरी तरफ अगर मैं लाइट इल्यूमिनेटेड कर रहा हूँ किसी सेमी पर तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन या होल की जो कंसनट्रेशन है चार्ज की सांद्रता जो है वो बढ़ रही होगी क्योंकि लाइट की वजह से क्या होगा बढ़ रहा होगा तो इसको बोलते हैं थर्मल जनरेशन है ना थर्मल जनरेशन के कारण जो होल में वृद्धि हो रही है है ना उसको हम जनरेशन रेट जी से शो कर सकते हैं तो आपके पास दो इक्वेशन होगी जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है तो पी अपन टाओ पी क्या हो गया होल कंसनट्रेशन में कितना डिक्रीज हुआ और जी क्या हो गया होल कंसनट्रेशन में कितना इंक्रीज़ हुआ तो नेट इंक्रीज कितना हुआ तो हमने क्या किया जी माइनस पी पी करोगे तो आपको मिलेगा डी पी बाई डी टी तो ये क्या शो करता है ये शो करता है कि होल कंसनट्रेशन पर सेकेंड में कितना इंक्रीज हुआ तो आपको देखिए अगर स्टेडी स्टेट की बात करें काफी स्टेट का मतलब क्या होता है हमको तो तो स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो डी पी बाई डी टी को हम क्या मानेंगे ज़ीरो क्योंकि अगर स्टडी स्टेट की बात है तो हमने लाइट जो इंसिडेंट हो रही थी उसको मैंने हटा दिया है और उसके बाद में अब जो होल का कंसनट्रेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके रुकेगा तो ये पिछले ग्राफ जो आपको दिख रहा था पी बार पी बार क्या है बेसिकली कि होल की कंसनट्रेशन अब कॉन्सट्रेट हो गई है जब आपने आ, एक काफ़ी टाइम इसको दे दिया इल्यूमिनेशन का और जब आप इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं यानी लाइट हर, हटा रहे हैं तब भी ये जो कंसनट्रेशन ये लगातार घट रहा है और आगे जाके स्टेडी स्टडी स्ट्रेट में आ रहा है तो स्टडी स्टेट आपको समझ में आ गया तो हमने कंडीशन देखी है कि जब आप स्टडी uh, स्टेट की बात करते हैं तो डीपी बाय डीटी को हम जीरो रखेंगे और एट द सेम टाइम आप ये देखें कि ये पी नॉट पर आ रहा है राइट साइड में आप देखिए ये क्या आ रहा है पी नॉट पे आपको वापस जाते हुए घटे घटते हुए मिल रहा है तो स्टडी स्टेट पर जो पी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी पी नॉट के बराबर तो मैंने डी पी बाई डी टी को जीरो रखा तो पी की वैल्यू को पुट करूँगा पी नॉट के बराबर तो इक्वेशन टू में जब आप डी पी बाई डी टी को जीरो रखेगी रखेंगे और पी की जगह पी नॉट रखेंगे तो आपको जी इक्वल टू क्या मिलेगा पी नॉट अपन टाउ पे अब आप क्या करो जी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में वापस पुट कर दो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी डी पी बाई डी टी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई टाऊ पी तो ये इक्वेशन थर्ड आपको मिली एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इसी प्रकार से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर फोर मिलेगी जहाँ पी आ रहा है उसको एन से रिप्लेस करना है दैट्स इट